का डिक्टेशन है रामधारी गुप्ता जी से, प्रतिलेखन संख्या 55 56। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। महोदय, संसद सदस्यों से बहुधा उनके चुनाव में पूंजीगत स्वरूप के छोटे छोटे कार्यों को कराए जाने के लिए संपर्क करते हैं, इसलिए संसद सदस्यों की एक मांग थी कि उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र में कार्य कराए जाने की सिफारिश करने में समर्थ होना चाहिए। इन सुझावों पर विचार करते हुए प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 23 दिसंबर 1993 को संसद में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य को अपने चुनाव क्षेत्र में 1 करोड़ रुपये तक की लागत के कार्य, जिसमें प्रत्येक कार्य 10 लाख रुपये से अधिक लागत का नहीं होगा, कार्यान्वित किए जाने के लिए जिला कलेक्टरों को सुझाव देने होंगे। राज्यसभा का सदस्य जिस राज्य से चुना गया है उस राज्य का कोई भी एक जिला इस योजना के अंतर्गत कार्यों का चयन करने के लिए चुन सकता है। सांसदों द्वारा भेजे गए सुझावों के आधार पर इन मार्गदर्शिकाओं के अनुसार प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत जिन कार्यों की सिफारिश की गई हो वे जिले के अंदर चल रही जिला योजनाओं और केंद्रीय प्रायोजित तथा केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के सामान्य पैटर्न के अनुरूप होंगे। उनका कार्यान्वयन अन्य सभी कार्यों के साथ साथ ही किया जा सकता है, लेकिन एक तरह से वे संसद सदस्य द्वारा अनुशासित कार्य के रूप में अभिव्यक्त होंगे। इस प्रकार इन कार्यों की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया समान कार्यों की सामान्य स्वीकृति एवं कार्यान्वयन को संचालित करने वाली प्रक्रियाओं जिनका कार्यान्वयन लोगों की प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा किया जाता है से भिन्न नहीं है। सांसदों के सुझावों को जिला कलेक्टरों द्वारा संकलित किया जाएगा एवं इन मार्गदर्शिकाओं के अंतर्गत उन पर विचार किया जाएगा तथा सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए यथासंभव उनको जिले में चल रहे जिला योजना कार्यक्रमों एवं अन्य केंद्रीय प्रायोजित तथा केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। सांसदों को जिले में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समान रूप देने के लिए और पूरे जिले के लिए विकास योजना मसौदा तैयार करने के लिए संवैधानिक रूप से गठित जिला योजना समितियों का सदस्य बनाया जाएगा। अधिनियम 1992 के अंतर्गत गठित किए जा रहे नए पंचायती राज निकायों में जिला तथा माध्यमिक स्तरों पर जिनमें उनके चुनाव क्षेत्र
पूर्ण या आंशिक रूप से आते हैं। पंचायत सदस्यों के रूप में प्रतिनिधित्व भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सांसद जिलों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के शासी निकाय के सदस्य हैं, जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इसके संबद्ध कार्यक्रमों की योजना कार्यान्वयन निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यों के प्रभारी हैं। यह सब उन्हें इस योजना के अंतर्गत उनके द्वारा चुने गए एवं सुझाए गए कार्यों को जिला स्तर विकास कार्यक्रमों की योजनाएं कार्यान्वित के लिए जिला स्तर पर संस्थागत ढांचे द्वारा कार्यान्वित कराए जाने की सुनिश्चित करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। महोदय, इस मार्गदर्शिकाओं की सीमा के अंतर्गत आने वाले कार्यों जिनके लिए सांसदों ने अपनी अनुशंसा दी है कि तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित राज्यों में सामान्य विभागीय प्रक्रियाओं के अनुरूप की जाएगी। कार्यों को जिला कलेक्टर द्वारा जिले की सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य मुख्य रूप से परिसंपत्ति सृजन स्वरूप के होंगे तथा सामग्री उपकरण आदि की खरीद अथवा राजस्व खर्च की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कार्य इस तरह के होने चाहिए जो काम के एक अथवा दो मौसमों में पूरे हो सकते हों तथा जिनसे टिकाऊ स्वरूप की परिसंपत्तियां सृजित होती हों। योजना के तहत स्थानीय अनुभूत आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे विकास कार्यों का चयन किया जाना है और उनकी सिफारिश भी की जानी है। सुझाए गए प्रत्येक कार्य की लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सुझाव के अनुसार लिए जाने वाले कार्य जिला योजना विशेषकर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत आने वाले कार्यों की श्रेणी के होने चाहिए। इस योजना के अंतर्गत कार्यों के बारे में सुझाव प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टरों द्वारा सांसदों से लिखित सुझाव मांगे जाने चाहिए अथवा अपने जिले के सभी सांसदों के साथ वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में एक बैठक बुलाई जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां संसदीय चुनाव क्षेत्र एक से अधिक जिले तक फैला हुआ है, संबंधित सांसद राज्य योजना विभाग तथा जिला कलेक्टरों को इन मार्गदर्शिकाओं में उल्लिखित समग्र सीमाओं के भीतर उनके जिलों में कार्यों की प्राथमिकता का उल्लेख कर सकते हैं। इन मार्गदर्शिकाओं के आलोक में संसद सदस्यों द्वारा सुझाए गए कार्यों की समीक्षा करने के पश्चात जिला कलेक्टरों द्वारा योजना के अंतर्गत इन्हें विचारार्थ एवं जिला योजनाओं तथा जिलों में चल रहे केंद्रीय प्रायोजित व केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों में योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दर्शाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इस प्रकार निर्धारित सूची को जिले में संबंधित योजना तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को
भेजा जाना चाहिए जिसमें संबंधित राज्यों की सामान्य विभागीय प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए प्राकलन तैयार करने तथा तकनीकी